वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और नाउ वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस शेप्स। ओके, पिछले 3 वीडियो डेमो पर हमने बनाई है, एक हमने बनाई है नाउन के ऊपर, एक बनाई है प्रोनाउन के ऊपर और एक बनाई है हमने एक्टिव पैसिव के ऊपर। तो इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं मैथ का, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? All fine, very good. So, what is the date today? What is the date today? 26, very good. 26 March 2023. And which subject we will study in this period? Mathematics. Very good. Subject of our class is maths. ओके, सो नाउ स्टूडेंट टेल मी, क्या आपको ड्राइंग करना पसंद है? किसको तो पसंद है? रेज योर हैंड्स। सबको पसंद है, वेरी गुड। तो आज कुछ ड्रॉ करें, एवरीबॉडी रेडी? ओके, सो हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ये क्या है? ग्रीन बोर्ड है, इसको मैं यहां ड्रॉ कर दूं। ओके, चलो हम अपना ग्रीन बोर्ड को यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? हमारा क्या है? ग्रीन बोर्ड। क्या है? ग्रीन बोर्ड। व्हाट इज दिस? ग्रीन बोर्ड। नाउ चंदा मामा कैसे होते हैं? चंदा मामा ड्रॉ करें। ये हमारे चंदा मामा। ये क्या है? हमारे चंदा मामा। ये हमारे क्या है? चंदा मामा। चंदा मामा देखे ना सभी ने? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ग्रीन बोर्ड। ये हमारे कौन है? चंदा मामा। अब जब हम हट ड्रॉ करते हैं, हट ड्रॉ करना आता सभी को? तो मैं हट ड्रॉ करूं यहां पे। जब हम हट ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो छत होती है वो कैसी होती है? किस शेप की होती है? ये होती है। ये क्या है? ये हट की क्या है? रूफ, छत। क्या है ये? छत। रिपीट आफ्टर मी, क्या है ये? छत। तो ये हमारा चंदा मामा, ये हमारा ग्रीन बोर्ड। ठीक है, जब मैंने हट बनाई है तो हट में खिड़कियां होंगी, हट में खिड़कियां भी तो होंगी ना, वरना अंदर हवा कैसे जाएगी? तो ये क्या है? हट की खिड़की। कितनी खिड़कियां रखूं हट में? एक या दो? दो कर दो। तो दो खिड़कियां हम खटते हैं, कर देते हैं हट में। सो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, हम इन शेप को क्या कहते हैं? हम इन शेप को क्या कहते हैं? हम इन शेप को कहते हैं, इसको कहते हैं हम रेक्टेंगल, इसको कहते हैं सर्कल, इसको कहते हैं हम ट्राइंगल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल डिस्कस अवर टॉपिक शेप्स। टुडे वी विल डिस्कस अवर टॉपिक शेप्स। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ये और ये साइड इक्वल होती हैं। ये देखो, ये यहां से और ये यहां से बिल्कुल इक्वल है, नहीं है? और ये यहां से और यहां तक, तो ये वाली साइड और ये साइड क्या होती है? इक्वल। और ये साइड क्या होती है? इक्वल। क्या चंदा मामा में कोई साइड है? नहीं है। तो चंदा मामा, इसका एग्जाम्पल और क्या है? मम्मी की चूड़ी कैसी होती है? गोल। कैसा होती है? गोल। ये भी कैसी है? गोल। कोई कड़ा पहनता है तो वो कैसा है? गोल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल, वेरी गुड। अब ये जो हमारी छत है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। इसमें कितनी साइड्स है? 3 साइड्स हैं, 1, 2, 3। 1, 2, 3। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइंगल। खिड़की को बाहर बना ले, खिड़की को हम यहां बनाते हैं। ये हमारे क्या है? विंडो। तो इसमें क्या होता है? ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सारी साइड इक्वल होती हैं। सबने को क्यूब देखा है ना, जो जिसको हम घुमाते हैं, है ना? देखा है ना क्यूब सबने? तो वो उस क्यूब में क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती हैं। तो उसकी एक साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो
तो स्क्वायर में क्या होती है, फोर की फोर साइड इक्वल होती है। अंडरस्टैंड, सबको समझ आया? तो आप घर पे कर, आप घर पर क्या करोगे, आप घर पर अपने होमवर्क में देखोगे जो साइड, जो आपको चीजें दिखेंगी रेक्टेंगल, उनमें रेक्टेंगल में लिखोगे। जैसे आपकी टेबल है तो आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे और जो चीजें रेक्टेंगल है उनके नाम लिखोगे। जैसे एग्जांपल में आपकी टेबल अगर रेक्टेंगल है तो आप टेबल को, तो रेक्टेंगल में क्या लिखोगे, टेबल। जैसे सर्कल में क्या है, बेंजल्स। तो इस तरह से आप एग्जांपल घर पर लिख कर लाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा लगा? ओके, तो देखा आपने कि कुछ इस तरह से हम शेप्स को पढ़ाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बच्चों को शेप्स पढ़ाई। आप कुछ अपने आइडियाज लगा सकते हैं, कुछ नए तरीके से इनोवेट करके आप और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जैसा मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने तरीके से आपको बताया। अब आप अपने कुछ इसमें आइडियाज इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ नई इसमें कुछ इनिशिएट कर सकते हैं कुछ नया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हम नए नए टॉपिक से वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।